हाय फ्रेंड, आप लोग के स्ट्रीट ट्रिक से ट्रिक में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप ये पांचवा ये इसका त्रिकोणमिति का पार्ट जो है सिक्स है। आप जो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, दो कोणों के योग एवं अंतर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समीकरण, ठीक। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी रिलेटेड टू सम एंड डिफरेंट ऑफ टू एंगल्स। सुपर ट्रिक है भाई। आप लोग जैसे कि आप लोग चैनल के नाम से समझ सकते हैं कि ट्रिक से सब कुछ यहाँ ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताया जाए कि क्या होता है। आप लोग 9th या 10th या 11th या 12th के किसी भी कोई भी बच्चा हो, वो स्टूडेंट हो, वो समझ सकता है। ये कोई पढ़ा होगा या कोई अभी पढ़ेगा, ठीक। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और दूसरा क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। दो समीकरण होता है। फिर इसी तरह ये होता है कॉस का, जिस तरह वो साइन का है तो साइन का जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहता है और माइनस है तो इसमें माइनस है। कॉस का उल्टा होता है, जैसे कि कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें प्लस यहाँ कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ आके माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस होते हैं यहाँ प्लस होते हैं। कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। समीकरण हो गया, समीकरण दो और समीकरण एक और दो, समीकरण एक दो दो से ये देखिए ये फार्मूला प्रूफ जो है प्रूफ देखिए फार्मूला दो होता है। इसका मान ए साइन ए प्लस बी जो पहला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल, ये भी होता है। तो हम ही पहले पहला वाला फार्मूला प्रूफ करके बताएंगे कि ये कैसे आया है और इसके बाद दूसरा अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं कुछ स्टूडेंट जो हैं। तो हम देख सकते हैं समीकरण एक और दो को क्या कराएंगे, समीकरण एक और दो को इंटू कराएंगे, क्या कराएंगे, समीकरण एक और दो को गुणा कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यहाँ से देख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ठीक इसी तरह रख देंगे तो साइन ए माइनस बी। तो ये देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है, आप लोग को याद होगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ है, तो ए स्क्वायर ये देखिए ए स्क्वायर ये बन रहा है ए प्लस बी, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बनना है ए स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक इसी तरह है। तो हमें क्या लाना है, यहाँ लाना है साइन, तो साइन लाना है तो हमको कॉस जो है कॉस के जगह पर साइन का रख दें, क्योंकि जो उधर रहेगा कट जाएगा तो साइन हमारा आ जाएगा, साइन का साइन स्क्वायर ए। और इसके जगह पर ये समीकरण आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल वन, तो हम यहाँ इसका किस चीज़ का मान निकाल रहे हैं, कॉस का, तो कॉस में है निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन आ जाएगा, साइन क्या वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। तो यहाँ साइन हमें लाना है, यहाँ देखिए फार्मूला में हमें साइन लाना है ना, तो साइन का रख देंगे तो साइन का फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक इस तरह हो जाएगा। तो इसका साइन स्क्वायर ए का इंटू कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए, और अंदर इसका इंटू कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस संख्या है ना, तो माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर माइनस इसका इधर इंटू कराएंगे, जब माइनस ब्रैकेट के बाहर जब माइनस रहता है तो अंदर हम जब गुणा करते हैं तो ब्रैकेट जब ओपन होता है तो प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों जो है प्लस माइनस कट जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्रूफ हो जाएगा, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ जाएगा। अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे, ये वाला जो है कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ वाला से कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर, अरे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी ये इन दोनों का इंटू करेंगे, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका भी प्रूफ ये देखिए आगे है, समीकरण तीन और चार को गुणा करने पर, ठीक, समीकरण तीन और चार है ना, अरे गुणा करेंगे, ठीक, फिर गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसी तरह ये भी हो जाएगा, समीकरण एक दो को गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये और हमको ये देखिए इसमें क्या लाना है, कॉस लाना है एक साइन लाना है, तो साइन यहाँ से हटाएंगे, पहले वाले से साइन हटाएंगे तो कॉस को इसी तरह रहेंगे कॉस स्क्वायर भी, और इसको वही समीकरण से साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से करेंगे चेंज करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये साइन हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, इसके बाद इंटू कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू बी माइनस साइन स्क्वायर ये कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर एच एस इक्वल एल एच एस इक्वल आर एच एस। ये वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।